हिमाचल में लंपी के 8002 केस एक्टिव, 11000 की मौत, दूध उत्पादक गोले कंगाल हो गए, सारी कमाई गायों के इलाज पर लगाई। प्रदेश सरकार के हिमाचल में दूध की गंगा बहाने के दावे शायद ही पूरे हो सके। राज्य में जिस तरह से लंपी वायरस अभी भी अपना प्रकोप दिखा रहा है, उससे आने वाले समय ग्रामीण गाय पालने का जोखिम उठाने लायक नहीं रहेंगे। प्रदेश भर में पैर पसार चुके लंपी वायरस से ग्रस्त पशुओं का इलाज करवाते करवाते दूध उत्पादक कंगाल होने लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत से पशुओं की जान नहीं बच पा रही है। अब तक वायरस LSD से 11080 पशु मर चुके हैं। स्थिति यह है कि अभी भी प्रदेश में लंपी वायरस के 8002 केस एक्टिव है। वहीं अभी तक किसान अपने मुश्किल दिनों के लिए रखी गई जमा पूंजी से जैसे तैसे 1,39,149 पशुओं का इलाज करवा चुके हैं, लेकिन अब वायरस की वजह से गरीब हो चुके किसानों की जेब में इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वे पशु के मरने के बाद दूसरा खरीद सके। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि मुआवजा राशि का मामला राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को भेजा गया है। इस बारे में अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।